सुंदर मनोज, आप लड़के एक दूसरे को बोल रहे हैं तो ठीक है, मैं सबसे छोटे से शुरुआत करती हूँ। अनुज को मैं माइक देती हूँ कि वो आदिवासी कविताओं में जो हमारी बातें हैं, उसकी जो सुंदरता है, सौंदर्य बोध है, उसके बारे में हम लोगों को बताएं। धन्यवाद, सबको जोहार। मैं कोई भूमिका नहीं बांधूंगा क्योंकि समय कम है। जो विषय है बातचीत का वह है आदिवासी कविता, कथ्य और सौंदर्य। आदिवासी कविताएं कैसे बनती है और उनकी सुंदरता क्या है, मोटे तौर पर इसी बिंदु पर मैं अपनी बात करूंगा। मैंने सोचा था कि जो कविताएं मैंने पढ़ी हैं और जिन कविताओं से अक्सर सामना होता है उनके उदाहरण के साथ अपनी बात कहूँ, लेकिन मैं उन्हें छोड़ रहा हूँ और आज जिन कविताओं का पाठ हुआ है, अलग अलग भाषाओं में हमने अलग अलग ढंग की कविताएं सुनी, उन्हीं कविताओं के उदाहरण के साथ मैं अपनी बात कहूँगा। जब हम आदिवासी कविताओं की बात करते हैं या आदिवासी जीवन या साहित्य की बात करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं सामने आती हैं। जैसे आज सुबह से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उस बातचीत के क्रम में कुछ सूत्र आए हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें आप सूत्र की तरह देख सकते हैं। जैसे एक आया पुरखा, रमन जब ये अपना गीत प्रस्तुत कर रहे थे उसमें पुरखों की ही बात आई थी। सुनील गायकवाड़ जी जब अपनी बात कह रहे थे कि महाराष्ट्र के जो भील हैं उन्हें डकैत की तरह क्यों देखा गया, ये उन पुरखों की बात कर रहे हैं। इसी तरह से हमने अभी जो भी गीत सुने, जो कविताएं हमने सुनी, उनमें अक्सर पुरखों का जिक्र आ रहा है। और इसी के साथ एक और बात आती है, वो है आदिमता। हम आदिवासी समाज की बात करते हैं तो आदिमता और आदिम राग की बात आती है, और वंदना टेटे जी ने तो संपादन ही किया वो किताब आदिम राग करके। और आदिमता के साथ ही एक और बात आती है जो आगे बढ़ती है, वो है वाचिकता। एक ओरल ट्रेडिशन की चीज है और इस की चीज है वाचिकता की बात। तो तीन महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जिनके आधार पर मैं आदिवासी कथ्य और उसके सौंदर्य को बताने की कोशिश करूंगा। एक सवाल है कि हम जो कविताएं लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, या हमारे सोचने में, हमारे जहन में ये पुरखे क्यों आते हैं। हकीम साहब जब अपनी नज़्म सुना रहे थे उसमें जो गोजरी के पथरवाल समुदाय की वो सारी स्मृतियां आ रही थी, या रविशदा सुना रहे थे, या पात्रिक सुना रहे थे, या ये दीदी सुना रही थी, और भी लोग सुना रहे थे, ये ऐसे क्यों आती, क्यों हमारे स्मृति में जहन बार बार आती है। तो इसका एक सीधा सा जवाब यह है कि जो आदिवासी कविताएं हैं या आदिवासी साहित्य है वो अपना विषय मूलतः दो महत्वपूर्ण स्तंभों को लेकर खड़ी होती है। वो एक है, सबसे पहली बात है उनकी जो अपनी दुनिया रही है, स्वायत्त दुनिया रही है। यानी हमने यहाँ जो खोरठा, कुरमाली या मुंडारी खड़िया, कोड़ो संताली, नागपुर की जितनी भी कविताएं सुनी, इन कविताओं को सुनते हुए हमें ये प्रतीत हो रहा था कि ये कविता उस समाज की कविताएं हैं जिस समाज की अपनी एक स्वायत्त दुनिया रही, एक ऑटोनोमस दुनिया रही, वहाँ अखड़ा रहा है, मांदल रहा है, बांसुरी रहे हैं, गीत रहे हैं, नृत्य रहा है, और वो सारी चीजें एक लय में संतुलन के साथ चलती थी। और ये जो संतुलन है, यह संतुलन केवल सामाजिक रिश्तों का संतुलन नहीं रहा है, यह संतुलन दरअसल इस प्रकृति के, उस सृष्टि के साथ बनाया गया संतुलन था, क्योंकि यह संतुलन बनाया हमारे पुरखों ने, इसलिए हम उन पुरखों को याद करते हैं। इसमें भी एक रोचक बात यह है कि हम पुरखों को याद करते हुए उन्हें देवताओं की श्रेणी में अपने से अलग नहीं करते। यही वो चीज है जो आदिवासी कविता को विश्व कविता में विशिष्ट बनाती है और अलग बनाती है। अमूमन क्या होता है, पुरखों की बात करते करते, देवताओं की बात करते करते एक श्रेणी बन जाती है और उसकी हायरार्की बन जाती है और वहां से सहजीविता, एकजुटता वो खत्म हो जाती है। लेकिन हम पुरखों के साथ बैठते हैं, उन्हें याद करते हैं और हम देवताओं की श्रेणी में उस स्तर तक नहीं ले जाते कि वह हमसे अलग हो जाए।
तो ये जो दुनिया है वो यहाँ से बनती है और इस दुनिया की अपनी एक ज्ञान परंपरा है, एक नॉलेज सिस्टम है। मैंने कई कविताएं मैंने रेखांकित की है, जैसे बहुत ही रोचक कविता पात्री पूर्ति ने पढ़ी, क्या शानदार कविता थी दो पंक्तियों की, कि बेगर कुंडुरे टिकावा करना दिसुम करना होयो रे लोका करना, मैंने बगैर खुटे के यह जो ब्रह्मांड है दुनिया है यह टिका हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे कि हवा में टंगा हुआ है। ये अगर ये मुंडारी कविता में यह बिंब आ रहा है तो इस बिंब के आने की कौन सी जैविक या ऑर्गेनिक वजहें हैं जिसे कवि ये बात कह रहा है। अगर आप आदिवासी ट्रेडिशन से अलग, आदिवासी संस्कृति से अलग दूसरी संस्कृति में चले जाए तो मिथकों को देखें तो मिथक कैसे बनते हैं, ये दुनिया शेष नाग के फन पे टिकी है, ये बात कही जाती है ना, ये बरहा है उसके सिंह पे टिका ये दुनिया टिकी हुई है। इवन तक कि हिंदी के हमारे महत्वपूर्ण प्रिय कवि केदारनाथ सिंह की कविता है बनारस, बनारस शीर्षक महत्वपूर्ण कविता है, वो कहते हैं कि एक ऐसा शहर है जो शताब्दियों से एक टांग पर खड़ा है दूसरी टांग से बेखबर। मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आदिवासी कविताओं को हम समझेंगे या उसे समझने की कोशिश करेंगे तो हम उस दिशा में जाते हैं जैसे मैंने पहला स्तंभ कहा, जो हमारी स्वायत्त दुनिया थी, जैविक दुनिया थी। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि आज इस जयपाल जूलियस खन्ना समारोह के अवसर पर जो कार्यक्रम हम आयोजित किए, हम बातचीत कर रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा कि जो आदिवासी कविताएँ हैं या आदिवासी साहित्य है वो दरअसल आदिमता की ऑर्गेनिक फसलें हैं, ये जैविक फसलें हैं, यहाँ किसी तरह का कोई मिलावटीपन नहीं है। और जब हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं, जैविकता की बात करते हैं, तो हमें एक इटालियन फिलोसफर याद आते हैं एंटोनियो ग्राम्सी, जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स की बात करते हैं, तो ये बात कहते हैं कि एक जैविक बौद्धिकता होती है जो समाज से, उस वर्ग से, उस समुदाय से वो चीजें उभर कर आती है। तो जो आदिवासी कविताओं का जो तथ्य है, उसका जो कहन है, उसकी जो विषय वस्तु है, वो वहां से आती है। ये हो सकता है कि एक अभिजन मेनस्ट्रीम का, मुख्यधारा का, वर्चस्वकारी ताकतवारी समाज और उसका जो साहित्य है वो हमारी कविताओं को सुने तो उसे लगेगा कि ये तो कोई पिछड़ी संवेदनाओं की कविता है, किसी भी लग सकता है, किसी भी लगेगा कि ये तो कुछ पुनरुत्थानवादी ढंग की कविताएं हैं, कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो समाज, जो समुदाय एक संकटग्रस्त अवस्था में है, जिसे एक मजबूत दार्शनिक और सांस्कृतिक स्तंभ की जरूरत है, वो जाएगा तो कहाँ जाएगा, वो अपने स्मृतियों में जाएगा, वो अपने इतिहास में जाएगा, फिर अपने इतिहास और स्मृतियों में जो वह पूरी सभ्यता रही है, फिर वहां से वो उन सारे भाषा को, उस बिंब को लेकर उठा कर आएगा। जैसे उदाहरण के लिए एक और कविता का जिक्र करूं, वंदना दी की कविता है किनेर। किनेर कविता में पहली ही कविता है, वो कहती है कि हम धरती के माड़ हैं। ये इमेज आना कविता में कि हम धरती के माड़ हैं, ठीक है, ये मुझे नहीं लगता कि विश्व कविता में आदिवासी कविताओं से इतर कहीं ऐसा कोई बिंब दिखाई देगा। इवन तक कि हम अपने रहन सहन जीवन शैली में देखें, मार भात कौन खाते हैं, अमूमन मार को भात का एक अवशिष्ट अवशेष मानकर फेंक दिया जाता है, लेकिन हम क्या मान रहे, उसे महत्वपूर्ण मान रहे हैं। और जब हम वाचिकता की बात करेंगे, पुरखों की बात करेंगे, तो आदिवासी समाज या देशज या मूल्यवासी समाज, उसकी विशिष्टता यह रही है कि वह जो मार होने की जो बात है, ठीक है, वो उसको सहेज कर बचा कर रखता है। इसलिए बचा कर रखता है क्योंकि जो बात मैंने कही, पुरखों को स्मरण करते करते, उन्होंने वाचिकता की बात करते करते शास्त्र या पंडिताओं या फिर जिसको आप कहते हैं वर्चस्व की जो धारा होती है उसको विकसित नहीं की। आदिवासी कविताओं में जो वाचिकता का स्वर आता है, ओरल ट्रेडिशन का स्वर आता है, वह शास्त्र के समानांतर संघर्ष करते हुए नहीं आता बल्कि स्वायत्त रूप से आता। कविता शीर्षक है, अब भेचुआ का स्मरण किया जा रहा है। अब
जो भी लोग हैं जिन्होंने कभी जंगल में रात में शिकार किया है वो सब जानते हैं कि जंगल का प्रहरी ढेचुआ है। हम तो ढेचुआ को हम लोग तो मारते हैं बचपन में, जब हम लोग आग जला के चिड़िया मारने जाते थे तो सबसे पहले जो चिड़िया डिस्टर्ब करता था, दूसरे चिड़ियों को जगाता था, वो ढेचुआ था, सबसे पहले जागता है और सारे पक्षियों को जगा के देखो शिकारी आ गए हैं अब जाग जाओ। और हम वो सोसोबोला वाली कथा असुर कथा में देखते हैं कि ढेचुआ एक प्रतिनिधि की तरह आता है सिंहभूमि। तो इस तरह से एक कविता बनती है आदिवासी समाज से, वो आती है रेमिसदा की कविता, बहुत अच्छी कविता, व्यंगात्मक कविता थी, जो कह रहे थे कि वोटिंग मशीन रे मशीन दे जो लोग ठग देते हैं कैसे नेता सेटिंग करके। और रेमिसदा की कविता शहर की बात आ रही थी कि जिले मेले शहर रांची रे माई अलुम रे सेला, कि जो रांची शहर जो जगमगाता हुआ है मत जा, ये जो निषेध क्यों है, रांची तो हमारी दुनिया थी ना, मूलवासी सदा आदिवासियों की दुनिया थी, लेकिन इसी दुनिया में आने से कभी क्यों रोकता है, क्यों सतर्क कर रहा है, क्योंकि ये जो एक अपनी दुनिया थी, एक अपनी स्वायत्तता थी, वो नष्ट हो चुकी है। और ये शहर का जो बिंब आ रहा है, जो प्रतीक आ रहा है, यह एक हिंसक प्रतीक है, क्योंकि यह बना ही है अपनी जो एक पूरी स्वायत्तता थी उसको ध्वस्त करके। और हम अगर आदिवासी कविताओं के तथ्य की बात करें, क्योंकि अगर आगे विस्तार पाता है और जब आगे चलकर जब बाहरी दुनिया के साथ उसका संपर्क होता है, उससे टकराव होता है, संघर्ष होता है, तो प्रतिरोध के साथ आता है, और जब वह निषेध करता है तो वहां वो अपनी जो हम कह सकते हैं कि जो गणतांत्रिक पद्धतियां रही है समाज की, उसके स्मरण के आधार पर उन चीजों का प्रतिरोध करता है, निषेध करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो आदिवासी कविता है, जिसमें मैं बार बार कह रहा हूँ कि आदिवासी की ऑर्गेनिक फसलें हैं, वह आज की इस सभ्यता में जहाँ इस तरह की एक अंतहीन आपाधापी और रूप देख रहे हैं, जहाँ आदिवासी देशा समुदाय तो नष्ट किए गए, तो नष्ट ही किए जा रहे हैं, जो बृहद मनुष्यता है, जो सभ्यतागत चीजें हैं, वो उसे भी नष्ट कर रही है। और इन्हीं मायनों में जो आज जितनी भी कविताएं पढ़ी गई हैं, वो सारी कविताएं अंततः इस पूरे सभ्यता की समीक्षा करती हुई कविताएं हैं। हिंदी के मशहूर आलोचक हुए हैं गजानन माधव मुक्ति, वो तो कहते हैं कि जो कविता है, जो साहित्य होता है, वो दरअसल सभ्यता की समीक्षा होती है, उसे भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं होती। हम जिस सभ्यता के दबाव में जी रहे होते हैं, उससे जो अनुभूतियां पैदा होती है, वो अनुभूति अंततः उस सभ्यता का विश्लेषण करती है, उसकी आलोचना करती है, और तब जाकर कविता या साहित्य पूरी मनुष्यता को आगे ले जाने का प्रयास करती है। और ये इस मायने में हम अपनी इन कविताओं को देख सकते हैं। जैसे खुरशा में कविता सुना रहे थे सुकुमार जी, और उसके पहले भी जो कविताएं हम सुन रहे थे, एक कविता उन्होंने सुना कि खरहा हल जोत रहा है, कुत्ता धान बुन रहा है, ऐसे ऐसे। हमें लगता है कि ये तो बहुत ही मजाकिया ढंग की कविता है, हम ऐसे सोचते हैं। अब ये देखिए, आज हम लोग ये बात कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिन में ये चीजें आएंगी। अब तो हर जगह इकोसिस्टम की बात आ रही है, अब इको पोएट्री की भी बात आने लगेगी, यही तो इलीट अभिजन क्लास करेगा, वो चीज हमारे ऑर्गेनिक ढंग से है। यानी उन कविताओं में जो भी जीवचर आ रहे हैं, चाहे बंदर हो, भालू हो, हनुमान हो, हम उसको एक रूपक दे रहे हैं, तो हमारे खेती के उस चीजों में जुड़ा हुआ है। ये क्या है? ये उन जीवचरों के प्रति जिसके साथ हमारे पूर्वजों ने एक संतुलनपूर्ण जीवन बनाया था, उनका स्मरण है। और इस तरह से ये कविताएं हमारे यहाँ सामने आती है, और इसकी जो सुंदरता है वह अपनी उस बुनियादी और मौलिक चीज से बनती है, उसकी भाषा मौलिक होकर आती है, उसके बिंब मौलिक होकर आते हैं। बहुत सारे उदाहरण यहाँ मैंने नोट्स किए, नोट किए, लेकिन मैं उसका नहीं करूँगा, समय का भी अभाव है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा आखिर में, कि क्या जो आदिवासी कविताओं की जब हम बात करते हैं, तो क्या आदिवासी कविताएं सिर्फ वही है जो हम अलग अलग भाषाओं में जो भारत में लिख रहे हैं, कह रहे हैं, वही चीजें हैं? इससे भी बाहर विश्व की आदिवासी दुनिया है, और उस आदिवासी दुनिया कि जो आदिवासी कवि है वो सोचती है क्या है, क्या कहते हैं। मैं छोटा उदाहरण देना चाहूंगा मैक्सिको का। मैक्सिको के दक्षिणी हिस्से में एक शापास नाम का एक जगह है, दक्षिणी हिस्से में, मूलतः वहाँ के आदिवासी बहुल
क्षेत्र है वो क्या पास है। और 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों यानी कि 1910-11 के आसपास एमिलियानो जियाबैटिस्टा नाम के बहुत बड़े लीडर हुए थे जिन्होंने वहाँ के भूसंपत्तियों और जो बाहरी लोग थे उनके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया था। हम कह सकते हैं कि वो हमारे समुदाय की तरह ही वहाँ थे। बाद उन्हीं के नाम पे एक पूरा क्रांतिकारी आंदोलन ही चल पड़ा जियाबैटिस्ट मूवमेंट करके, और जियाबैटिस्टो कह के वो लोग अपने आप को कहते हैं जैसे हम आदिवासियत की बात कहते हैं। हम जब उनके आंदोलन को देखते हैं, हम उनके विचार को देखते हैं, तो ये एक तरह का जुड़ाव दिखता है। और लैटिन अमेरिकी देशों की जब हम बात करते हैं तो जो अमूमन आदिवासी बहुल देश है जिंदिया खातौर से जो माया सभ्यता रही है उनकी स्मृतियां हैं, उनकी संस्कृति रही है, ठीक है, उन चीजों का जब स्मरण करते हैं तो कैसा स्मरण करते हैं, वो सारे उनके स्मरण में आती है। ये जो मौजूदा जो दुनिया बनी है जो जल जल जमीन और पूरी प्रकृति को ध्वस्त करते हुए मुनाफाखोरी आदमखोरी दुनिया बनी है उसे संघर्ष करते हुए बनती है। मशहूर कवि है ऑस्कर ओलिवा, उनकी कविताओं को हम देखें या फिर हम उस पूरे मूवमेंट के विचार को देखें तो उसमें जो देशजपन की जो बात है और एक जो अल्टरनेट मोड ऑफ लाइफ स्टाइल की जो बात है, एक वैकल्पिक जीवन शैली की बात है, उनके वहाँ बहुत सशक्त तरीके से दिखाई देती है। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम अपने भूगोल से बाहर जाकर आदिवासी कविताओं को देखते हैं तो वहाँ भी जो वाचिकता है, पुरखे हैं, जो स्मृतियाँ हैं, वो ताकत बनकर उनकी कविताओं में आती है, विचार बनकर आती है, वो विषय बनकर आती है, और वहाँ से उनका एक सौंदर्य खड़ा होता है और तब एक अल्टरनेट खड़े करते हैं। 1996-94 की बात है, छोटे से समूह के लोग हैं, उन लोगों ने मैक्सिको शहर में जाकर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था कि आप जो दुनिया दिखाते हैं कि अमेरिका जैसा हो जाना है, ये कॉर्पोरेट जैसा हो जाना, हमें मत सिखाइए, ठीक है, हमें अच्छी हवा चाहिए, हमें अपने पूर्वजों की स्मृतियों के साथ एक सहज और संतुलन पूर्ण जीवन चाहिए, आप हमें ना सिखाइए कि मुनाफा तो जीवन कैसे चलता है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जब हम ऑर्गेनिक होने की बात करेंगे या मौलिक होने की बात करेंगे, ऑटोनॉमी की बात करेंगे, स्वायत्तता की बात करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आदिवासी कविताओं में उभर कर सामने आती है। और आज की तारीख में जो तो विजडम है, इंडिजिनस विजडम या आदिवासी बौद्धिकता, ठीक है, वह इन कविताओं में मुखर होकर आ रही है। जो आदिवासी कविताओं को पिछड़ी संवेदनाओं की कविता मानते हैं या जो ये मानते हैं कि ये एक द्वीप में एक घेरे में बंधी हुई कविताएं वो लोग मानते हैं, मैं इसका प्रतिकार करता हूँ, ऐसा नहीं मानता। एक बृहद संवेदना है, बृहद जुड़ाव है, जो कॉस्मिक वर्ल्ड है उसके प्रति एक जुड़ाव है, और एक सामान्य मनुष्य का है उसके प्रति जुड़ाव तो है ही है। और हम एक विराट संवेदनाओं की कविताओं का हमने यहाँ अनुभव लिया है, आनंद लिया है। मैं इतनी ही बात करूंगा, समय बहुत कम है। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप सबका, जोहार।